2022 में कई सारी मूवी थी जिनमें से मैक्सिमम एवरेज फिल्म ही निकली, और वेब सीरीज का भी कुछ ऐसा ही हाल है जहाँ नंबर ऑफ सीरीज तो ज्यादा थी लेकिन पूरी तरह एंटरटेनिंग इतनी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी सीरीज जो आपका टाइम डिजर्व करती है। एक्सेल यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स फ्रेशर पार्टी। नंबर 5 पे कैंपस डायरीज, अवेलेबल फॉर फ्री ऑन एमएक्स प्लेयर विद 12 एपिसोड्स 30 टू 50 मिनट्स ईच। इतनी लंबी सीरीज भाई साहब, जिसका एंड आते आते हमारी हालत खस्ता हो जाती है। कॉलेज लाइफ के अराउंड रिवॉल्व होने वाली सीरीज जिसकी कहानी 6 स्टूडेंट्स के अराउंड घूमती है, जिनका अपना अपना बैकग्राउंड है और सभी की कॉलेज से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है। मैंने तुम्हारे लिए कोर्स किया, पढ़ने लग गया, और क्या चाहती हो तुम स्नेहा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्नेहा मैम। अब कहानी कॉलेज लाइफ पे, तो ऑब्वियसली इसे देखते देखते हमें कोटा फैक्ट्री, हॉस्टल डेज और कॉलेज रोमांस की याद आती, लेकिन फिर भी ये उन सभी से अलग है। एज इट रिवॉल्व्स अराउंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, रिलेशनशिप, ड्रग्स, पॉलिटिक्स और कॉलेज में होने वाली बकलोली के अराउंड। मेन लीड कैरेक्टर्स का काम जितना अच्छा है उतना ही बुरा काम साइड एक्टर्स, जो बहुत सी जगह अच्छे खासे सीन का मोमेंटम बिगाड़ देते हैं। पर फिर भी बहुत सारा ह्यूमर, कैची पंचलाइन और दिल को छू जाने वाले कुछ कुछ मोमेंट्स के साथ ये एक एवरेज सीरीज बन जाती है, बट स्टिल इट्स वन टाइम वॉच। नंबर 4 पे द ब्रोकर न्यूज विद 8 एपिसोड्स 30 टू 40 मिनट्स ईच, अवेलेबल ऑन Z5। पब्लिक को जैसी न्यूज चाहिए वैसी तो देनी पड़ेगी। पब्लिक को न्यूज नहीं तमाशा चाहिए। एक ही बिल्डिंग में दो न्यूज हाउसेस है, आवाज भारती और जोश 24/7। एक की एडिटर है अमीना, दूसरे का दिवाकर। दोनों का न्यूज बताने का तरीका एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी। सच बोलने के लिए पावर चाहिए होती जो मेरे पास है यहाँ, जोश 24/7। एक इस्तेमाल करता है भड़काऊ लाल रंग तो दूसरा शांत नीला रंग। एक की हेडलाइन में मिर्च मसाला तो दूसरे का एकदम नॉर्मल। एक की ऑफिस में कंफर्टेबल कपड़े पहने जाते तो दूसरे में फुल फॉर्मल। लेकिन एंड ऑफ द डे दोनों ओपिनियंस बदलने और बनाने का ही काम करते। और इन दोनों के बीच में राधा, जो दिबागर की तरह हार्ड हार्टेड है लेकिन सच्ची खबर लाने में ही विश्वास रखती है, और यही इस कहानी की लीड है जो सीरीज को आगे बढ़ाती है। सीरीज हमें न्यूज रूम की बिहाइंड द सीन दिखाता है, दिन रात एक करके न्यूज बनाने की कोशिश, ब्रेकिंग न्यूज के पहले की हड़बड़ और न्यूज चैनल का पॉलिटिक्स। लेकिन कहीं पर भी अपना पॉलिटिकल ओपिनियन हम पे थोपती नहीं है सिर्फ। दिबंकर के कैरेक्टर से शुरुआत में हम नफरत करने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ने लगती है हम अंत में डिसाइड नहीं कर पाते कि वो सही है या गलत। द ब्रोकन न्यूज न्यूज रूम के बिहाइंड द सीन के साथ साथ एक क्राइम थ्रिलर भी है जो थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी हम उस सस्पेंस से बंधे रहते हैं जिसे कॉम्प्लीमेंट करती है न्यूज रूम की भयानक सच्चाई। नेक्स्ट इज Z5 पे अवेलेबल सास बहु अचार प्राइवेट लिमिटेड विद 6 एपिसोड्स 30 टू 40 मिनट्स ईच। कहानी एक ऐसे माँ की जो अनपढ़ है लेकिन हिम्मत से भरपूर, जो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसका डाइवोर्स हो चुका है और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। अब बच्चे उसकी माँ के पास रहे, इसके लिए उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि वो उन बच्चों को संभाल सकती है, और इन सब चीजों में उसे मदद करती है उसकी सास। बाजार के अचार खुसर पुसर करके बेचोगे क्या अचार? कल आप फाड़ के बोलो अचार ले। हने में जब तक बलगम नहीं आ जाए तब तक चीज। मोस्ट ऑफ द टीवीएफ क्रिएशंस की तरह बहुत ही सिंपल, रिलेटेबल और एकदम खूबसूरत तरीके से दिल को छू जाने वाली सीरीज है। माँ की ममता, वो अपने बच्चों के लिए कितने कष्ट करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वो ठान ले तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो नहीं कर पाती। पंडित जी, रेखाओं ने तो सबकी मंजिल तय कर रखी है, पर इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हम अपना कर्म ही ना करें। मेरे महादेव या तो मेरे लिए रास्ते बदल देंगे या फिर मंजिल बदल देंगे। नंबर 2 पे सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज सूडल, अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम विद 8 एपिसोड्स 40 टू 50 मिनट्स ईच। ये ओरिजिनली तमिल वेब सीरीज है जिसे डब करके कई सारी भाषाओं में प्रदर्शित किया। कहानी एक फिक्शनल विलेज में बसी जहां बहुतांश आम लोगों की कमाई का स्रोत एक फैक्ट्री है जो पहले एपिसोड में जल जाती है। अब ये आग नेचुरली लगी या किसी ने लगाई, इसी की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस लग जाती है, और तभी उनके गाँव में एक लड़की मिसिंग होती है। अब इन दोनों हादसों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है क्या, और इतने छोटे से गांव में जहाँ हर कोई हर किसी को पहचानता है, वह ऐसा काम कौन कर सकता है? तुम लोग उसे ढूंढ सकते हो या नहीं? साल 1990 में जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी उस दिन भी एक लड़की गायब हुई। अब जब ये फैक्ट्री जली है एक और लड़की गायब है।
सीरीज विक्रम वेदा के मेकर्स द्वारा बनाई गई है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है। पूरी सीरीज के बैकड्रॉप में एक महोत्सव चल रहा होता है, जिसका सेलिब्रेशन थोड़ा सा डरावना है, जो शायद तमिल लोगों में बहुत पॉपुलर है। तो ये ट्रेडिशनल प्लस थ्रिलर का कॉम्बो असुर के बाद एक बार फिर काम कर जाता है, और एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल एंड के साथ ये सीरीज हमें एक मैसेज भी देती है। फाइनली नंबर वन पे मेरी पर्सनली फेवरेट TVF की पंचायत, जिसका अभी अभी सेकंड सीजन रिलीज हुआ है। सीजन वन पे जहाँ कहानी खत्म हुई थी, वही से इसकी शुरुआत हुई, जहाँ दो तीन कैरेक्टर्स को पहले सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सप्लोर किया गया, लेकिन इसेंस अभी भी वही है। दिल को छू जाने वाले कैरेक्टर्स, उनका सिंपल नेचर, गांव का वातावरण, वहाँ के साधारण से लोग और उनकी साधारण सी सिंपल बातें, जो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान लाती है, और ऑल ओवर द सीरीज हमारे चेहरे पे ये मुस्कान कॉन्स्टेंट रहती है, सिवाय इसके एंडिंग के, जो हमारी आंखों में आंसू लाती है एंड एट द सेम टाइम हमारा दिल भी जीत लेती है। फाइनली सभी इमोशंस का एक कम्प्लीट पैकेज है ये सीरीज, विच इज मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.